अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ एक्सरसाइज नंबर 1.3। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी कैसे इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि जो इक्वेशन गिवन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म तक कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन थी जिसमें एक्स की पावर 4 में थी, तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, एक्स स्क्वेयर को लेट किया वाई के इक्वल, वैल्यू पुटिंग की, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड था जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ लिखा होगा, लाइक यहाँ पे x प्लस वन है ना, तो वहाँ पे भी x प्लस वन ही होगा नीचे, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। थर्ड में जी रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये बड़ा अच्छा एक पार्ट है, इससे MCQs भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में निकलते हैं। वो कहता जी रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ ax4 माइनस bx3 प्लस cx2 माइनस bx प्लस ए, ये मेरी एक इक्वेशन है, ये मेरी एक इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं 1x से, क्या कर दूं 1x से, जी पीछे से आ लो, ए एक्स फोर माइनस बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए आ गया। एक्स को किससे रिप्लेस करना आपने, 1x से, किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स जगह पे डन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए ओवर एक्स फोर माइनस बी ओवर एक्स थ्री प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस बी ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट तो बोल दे, अब मैं इसके एलसीएम हूँ तो क्या बनेगा, एक्स फोर नीचे है ना सबके नीचे, एक्स फोर सेम है, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ए रहेगा माइनस एक्स थ्री में से एक्स फोर गया, सिंगल एक्स बचता है तो बी एक्स मेरा एलसीएम लेके सॉल्व होगा, एक्स स्क्वेयर है एक्स फोर है, मेरे पास एक्स टू कम है तो एक्स टू यहाँ पर आ जाएगा, एक्स फोर और एक्स है कितना कम है, एक्स थ्री कम है मेरे पास, कितना कम है एक्स थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी एक्स थ्री प्लस ए एक्स फोर इक्वल टू, ये डिवाइड वहाँ रहे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स थ्री प्लस ए एक्स फोर इज इक्वल टू ए एक्स फोर माइनस बी एक्स थ्री माइनस बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस ए, मतलब कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अगर हम x को रिप्लेस करें, इफ़ रिप्लेस x विद 1x, ठीक है, और कोई चेंज शो ना हो, देर विल बी नो चेंज इन द इक्वेशन, देन इट विल बी नोन एज रेसिप्रोकल इक्वेशन, कि रेसिप्रोकल या वही चीज़ वापस आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन हो सॉल्व कैसे करते हैं, 2x रेज टू पावर 4 माइनस 5x3 माइनस 14x2 माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए सेंटर में कौन सा वेरिएबल लाइक कर रहा है, अरेंज सेंटर, अरेंज सेंटर मतलब x4 x3 x2 x1 एंड विदाउट x, विदाउट वेरिएबल वैल्यू हो गई, डन है। यहाँ पे सेंटर में क्या लाइक कर रहा है, x2, पूरी इक्वेशन को x2 पे डिवाइड कर दें, क्लियर है, यहाँ पे क्या आएगा 2x2 माइनस 5x माइनस 14 माइनस 5x प्लस 2x2 इक्वल टू 0। यहाँ 2x2 है, वो 2x2 के पास कर दिया कि मैं सेम वेरिएबल वाले करीब ले आया। अब यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x2 प्लस 1x2 माइनस 5 कॉमन है, x प्लस 1x माइनस 14 इक्वल 0 हो गया, कोई डाउट तो बोल दें। अब सॉल्व करने के लिए मैं लेट करूँगा कि x प्लस 1x इक्वल टू y है, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू y स्क्वेयर, ये प्लस 2 वहाँ जाए कि क्या होगा माइनस 2, तो x स्क्वेयर प्लस 1x2 इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस 2 आ जाएगा, डन है कि नहीं, जहाँ पे आएगा उस जगह पे क्या आएगा y स्क्वेयर माइनस 2। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1x और x2 प्लस 1x2 इन इक्वेशन ए, ये वैल्यू
और ये वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं हम, ए में। तो यहाँ पे क्या टू बाहर, उसकी जगह ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस फाइव, आगे क्या है एक्स प्लस वन ओवर एक्स विच इज इक्वल टू वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। नाउ टू वाई स्क्वायर माइनस फोर माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टीन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू, कोई डाउट तो बोलें, कोई मसला तो बोलें। अब यहाँ पे आके क्या शुरू होगा, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों का काम शुरू हो गया, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन, जो आपका दिल करता है। हम करते हैं फैक्टराइजेशन, माइनस नाइन वाई माइनस फोर वाई प्लस फोर वाई, बड़ी वैल्यू का साइन, इसका साइन बड़ी वैल्यू के साथ, नाइन को फाइव करना है घटाना है, ऑपोजिट साइन आ गया। इसको मैं ऐसे लिख लूँ या रिवर्स करके लिखूँ, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, टू वाई माइनस नाइन आएगा, प्लस टू कॉमन है, टू वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब क्या कॉमन है इनमें से, टू वाई माइनस नाइन कॉमन है, और यहाँ से क्या है वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, नाइन बाई टू, एंड वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, तो हम क्या लिख देंगे इसे, नाइन बाई टू। इसकी लेंगे एलसीएम लेंगे x, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू नाइन बाई टू, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, टू डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये नाइन वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू इज इक्वल टू नाइन एक्स, टू एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आए क्या करेंगे, कम्प्लीटिंग स्क्वेयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या कम्प्लीटिंग स्क्वेयर करो, आपकी मर्जी है। ए मेरा टू है, बी कितना है माइनस नाइन, सी कितना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लेना ज़्यादा अच्छा होता है, उसको मार्कर से प्रोमिनेंटली लिखिएगा। इसको माइनस बी, तो माइनस नाइन अंदर आ गया, बी स्क्वेयर है तो माइनस नाइन का स्क्वेयर है, फोर ए सी, ए कितना है टू है, सी कितना है, ए कितना है, ये आ गया माइनस माइनस प्लस नाइन, बी स्क्वेयर कितना है एट्टी वन, माइनस क्या होगा बाय फोर, नाइन प्लस माइनस क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलें क्या आएगा, चेक करें क्या करते हैं, सिक्सटी आंसर क्या, पीछे बुक में देखो ज़रा, कौन सा क्वेश्चन है, एक आंसर आ गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब मैंने करना है पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, अगेन कर रहा हूँ मैं, वाई की वैल्यू क्या है माइनस, वाई की वैल्यू क्या है माइनस टू, अब इससे पुट हो रही है माइनस टू, एलसीएम लिया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू माइनस टू, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या होगी, फैक्टराइजेशन नज़र आ रही होती हुई, एक्स कॉमन है एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब एक्स माइनस वन दोनों जगह आ गया तो क्या होगा, बॉथ मेरा आंसर क्या आएगा वन, तो एक दफ़ा वन उतार देंगे, मेरे आंसर क्या आए, एक वन आया, एक नाइन प्लस माइनस सिक्सटी फाइव ओवर फोर, जी माइनस टू एक्स, यस ये माइनस टू एक्स वहाँ के प्लस टू एक्स हो जाएगा, माइनस वन मेरे आंसर हो गए माइनस वन, और ये दो आंसर है, नाइन प्लस अंडर सिक्सटी फाइव ओवर फोर, नाइन माइनस अंडर सिक्सटी फाइव ओवर फोर। ये अभी कैटेगरी ख़त्म हुई कौन सी वाली, रेसिप्रोकल इक्वेशन वाली, मैं स्पीड नहीं बना रहा अभी, ठीक है। दो क्वेश्चन आगे बढ़े हुए हैं और एक इलस्ट्रेशन आपकी, थर्ड जो है ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो कल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।